AIIMS, that is All India Institute of Medical Science, races ahead Oxford, Cambridge in ranking for the best medical school in the world. Delhi's AIIMS has moved past prestigious institution in the ranking for the best medical school in the world. According to the CEO World magazine, AIIMS stood 23rd rank in the list, securing 86.38 rank. AIIMS World CEO ranking के magazine के आधार पे top 100 best medical colleges of world में 23rd position पे AIIMS Delhi को मिला. ये information हमने share किया आपके साथ. This was the tweet of our contemporary education minister Sri Prakash Javedkar ji की तरफ से. उन्होंने अपने ट्वीटर में लिखा था कि proud moment for every Indian. India has 6 Indian medical colleges find a place in the list of 100 best medical colleges in the world 2021. जिनमें से अगर हम बात करें AIIMS Delhi का 23rd rank, FMC 34 rank, CMC Vellore 49 rank, Jipmer 59 rank, Medical College Chennai 64 rank and IMS BHU 72 rank. तो वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया के 6 मेडिकल कॉलेज को शुमार किए गए. हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसमें नंबर 1 पे रहा और इंडिया के AIIMS जो है दैट इज रेसेस अहेड ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. दिस इज द प्राइड प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन. तो AIIMS की बात करें, आज जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द AIIMS दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कैटेगरी वाइज इनका कट ऑफ क्या रहा है, कैटेगरी वाइज रैंक क्या रहा, नंबर ऑफ MBBS सीट्स कितने हैं इन AIIMS के अंदर, फी स्ट्रक्चर क्या है और एलुमनाई क्या कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं. आप सभी बच्चों का जो स्टडी कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनका एक सपना होता है इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज AIIMS में स्टडी की जाए. तो चलिए आज उसी से जानकारी रिलेटेड हम आपके लिए लेकर के आए हैं. AIIMS कॉलेज इंडिया में बात करें तो टोटल AIIMS के 22 कॉलेजेस हैं, जिसमें ऑपरेशनल 20 कॉलेज हैं एंड 2 कॉलेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन. टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स इज 2044. तो ये आपके AIIMS के अंदर टोटल MBBS के सीट्स हैं. अगर हम AIIMS दिल्ली के कट ऑफ की बात करें, जो आपका नंबर 1 होगा AIIMS दिल्ली, इसमें 2021 में क्या कट ऑफ रहे हैं, उसके हम कैटेगरी, कट ऑफ रैंक और क्लोजिंग मार्क्स की बात करने वाले हैं. तो आप देखिए जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 53 कट ऑफ रैंक था AIIMS दिल्ली के अंदर और उनका मार्क्स था 706. EWS कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 254 एंड द मार्क्स वाज 695. ओबीसी कैटेगरी में द रैंक वाज 256 ऑल इंडिया रैंक एंड द मार्क्स वाज 695. एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक इज 875 एंड द मार्क्स वाज 680. एसटी कैटेगरी में दैट इज ऑल इंडिया रैंक इज 4820 एंड द मार्क्स वाज 645. तो ये AIIMS की बात किया हमने कि AIIMS दिल्ली के कट ऑफ क्या थे और मार्क्स क्या थे. अब हम डिफरेंट AIIMS की बात करें, अगर ये और भी जो AIIMS हैं उसमें क्या क्लोजिंग रैंक रहा है, क्या मार्क्स रहे हैं, क्या कट ऑफ रैंक क्या रहे हैं और क्या फी स्ट्रक्चर है, उसकी चर्चा करें. तो हम लोग आएंगे नंबर 1 पे. अगर हम आते हैं दैट इज AIIMS दिल्ली. AIIMS दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 132, कट ऑफ रैंक जो गया था दैट इज 53 एंड द एनुअल फी इज 1628, दैट इज वेरी वेरी लेस. AIIMS जोधपुर सेकंड नंबर पे 125 MBBS के सीट्स है, कट ऑफ इज 649 क्लोजिंग रैंक रहा है एंड द फी स्ट्रक्चर इज 5356. AIIMS भुवनेश्वर की बात करें, यहां भी 125 सीट्स है, 567 क्लोजिंग रैंक रहा है एंड 5856, दैट इज द एनुअल फी स्ट्रक्चर ऑफ AIIMS भुवनेश्वर. AIIMS भोपाल की बात करें, चौथे नंबर पे हमने रखा है, दैट इज 125 सीट्स है इसके अंदर, 546 क्लोजिंग रैंक है एंड 5856 वाज द एनुअल फी. AIIMS ऋषिकेश की बात करें, इसमें भी 125 MBBS के सीट्स हैं, क्लोजिंग रैंक 969 और 5690 इनका फी रहा है. इसी तरह से AIIMS रायपुर की बात करें नंबर 6 पे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 125, कट ऑफ रैंक इज 1273 एंड 5690 इज एनुअल फी स्ट्रक्चर. AIIMS पटना की बात करें बच्चों, दैट इज 125 सीट्स हैं, 2232 इज क्लोजिंग रैंक इन 2021
एंड द एनुअल फी इज 5856। एम्स नागपुर, यहाँ भी आपको 125 MBBS के सीट्स हैं, क्लोजिंग रैंक इज 2031 एंड 5856 इज एनुअल फी। एम्स भटिंडा की बात करें, यहाँ भी 100 सीट्स हैं, इनका क्लोजिंग रैंक था 2232 एंड द एनुअल फी इज 5856। एम्स हैदराबाद की बात करें बच्चों, यहाँ पे 100 MBBS के सीट्स हैं, इनका क्लोजिंग रैंक है 3891 और यहाँ 5866 दैट इज द एनुअल फी स्ट्रक्चर। इस तरह से एम्स दरभंगा की बात करें, ये प्रपोज है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ MBBS की अभी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट इज एम्स विजयवाड़ा, यहाँ भी 125 MBBS के सीट्स है, 3549 इज क्लोजिंग रैंक एंड द एनुअल फी इज 5856। एम्स गोरखपुर 125 सीट्स, लास्ट क्लोजिंग रैंक इज 3412 एंड द एनुअल फी इज 5856। एम्स राजकोट की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स इज MBBS सीट्स इज 50, इसमें जो क्लोजिंग रैंक था 4143 एंड द फी स्ट्रक्चर इज 5856। एम्स रायबरेली की बात करें, यहाँ भी 100 MBBS के सीट्स हैं, 4246 इज क्लोजिंग रैंक एंड 5856 इज द एनुअल फी स्ट्रक्चर। एम्स रेवाड़ी की बात करें, ये भी प्रपोज है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ भी MBBS की पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई। एम्स कल्याणी की बात करें, 125 नंबर ऑफ सीट्स हैं MBBS के, 4258 क्लोजिंग रैंक है एंड द एनुअल फी स्ट्रक्चर 5856। एम्स बिलासपुर की बात करें, दैट इज 18 नंबर पे, नंबर ऑफ सीट्स MBBS के 50 है, 4142 वाज द क्लोजिंग रैंक एंड द एनुअल फी स्ट्रक्चर 5856। एम्स गुवाहाटी की बात करें, दैट इज नंबर ऑफ MBBS सीट्स इज 50 एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 6006 and the annual fee structure is 5856. EMS Madurai ki baat karein, 20 number pe, that is 50 MBBS ke seats hain and 4759 was the cutoff rank and 5856 is the annual fee structure. Isi tarah se EMS Deoghar ki baat karein bachon, that is 100 MBBS ke seats hain and cutoff rank is 5799 and the annual fee structure is 5856. एम्स जम्मू की बात करें, 22 नंबर पे, इसमें टोटल नंबर ऑफ MBBS के सीट 62 है एंड द कट ऑफ रैंक वाज 6212 एंड द एनुअल फी स्ट्रक्चर इज 5856। कुछ अब हम चर्चा करते हैं, कुछ नोटेबल एलुमनाई की बात करें, ये एम्स के पढ़े हुए तो बहुत सारे डॉक्टर हैं वर्ल्ड में, धूम मचाए हुए बच्चों, इसमें से कुछ नाम हम आपके सामने लेते हैं जो एलुमनाई हैं, लाइक सौम्या स्वामीनाथन, दैट इज द चीफ साइंटिस्ट इन WHO, रमाकांता पांडा, दैट इज पद्म भूषण अवार्डेड, मानसी चिल्डर, दैट इज मिस वर्ल्ड विनर 2017 में, इसी तरह से रोमन सैनी, दैट इज द को फाउंडर ऑफ अन अकेडमी, वीके पॉल, मेंबर ऑफ नीति आयोग एंड अरविंदर सिंह सोयल, दैट इज द पद्म श्री अवार्डेड। दीज आर द एलुमनाई ऑफ एम्स। एम्स में बच्चों और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, लाइक हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल रूम अवेलेबल है फॉर एवरीवन, सेम रूम अलॉटेड फॉर द 5.5 ईयर्स, 5.5 साल के लिए एक रूम मिल सकता है, मॉडिफिकेशंस अलाउडेड है, कुछ कर सकते हैं, इक्विपमेंट में AC, माइक्रोवेव, फ्रिज आप ये यूज कर सकते हैं, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है, आपके वॉशरूम हो चाहे गैलरी हो, कुछ क्लीन किया जाता है, एक पर्सन हर फ्लोर पे रहते हैं, TV हर एक हॉस्टल्स में लगे हुए हैं, अगर AC रूम्स भी अवेलेबल है, रीडिंग रूम्स भी अवेलेबल होते हैं एम्स के हॉस्टल में। इवन प्लेग्राउंड की बात करें तो खास करके हेल्थ का बहुत ख्याल रखा जाता है, एम्स के अंदर प्लेग्राउंड की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बास्केटबॉल हो, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब प्लेग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं, साथ में इंडोर गेम्स की भी फैसिलिटी है, लाइक टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, दीज आर प्रेजेंट इन द एम्स हॉस्टल। इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज ओपन होते हैं ऑल द टाइम्स, जिम भी अवेलेबल होता है बच्चों, आप जम के पढ़िए, जम से हेल्थ का ख्याल रखिए और इंडिया के वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर बन के वहां से आप निकल सकते हैं। फूड की बात करें तो आप जो रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट में जो खाते हैं, जो हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, वो एम्स के हॉस्टल में भी मेंटेन किया जाता है। तो बच्चों 3+1 कॉलेज मेसेज होते हैं, 4 कॉर्पोरेट मेसेज, केरला मेस फॉर वेज अगर आप हैं तो वहाँ उस तरह की सुविधा होगी, ऑल द टाइम डिलीवरी, फूड डिलीवरी करा सकते हैं ऑनलाइन, फ्री फूड, ये सब सारी फैसिलिटी आपको एम्स के अंदर में मिलेगी बच्चों। बस आपको एक ही काम करना है, जम के स्टडी करना है, सपना अगर आप देखे हैं बेस्ट
मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का, तो बच्चों वो एम्स है, जरूर आप एम्स के लिए तैयारी करें। हमारे बेस्ट विशेज आपके साथ है और जरूर इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरे तक शेयर करें। आप लोग चाहते हैं अगर कोई भी अगर अगला वीडियो देखना, कोई भी अगर अगले टॉपिक्स जानना चाहते हैं, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। पिछले वीडियोस में भी हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी है, नीट के बारे में, बिहार के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, कट ऑफ रैंक्स के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में, कैसे स्टडी करें, जरूर उन वीडियोस को आप देखें। एंड मस्ट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।